ये क्या है खाला जी? सीवी है? ये भी सेवे बनावे गई हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। आज के नए ब्लॉग का करते हैं आगाज, और अपने बहन भाई रहने हमारे साथ साथ तो जान भी रहे प्यारे बहन भाई, कुछ हैं बाद रहे करते रहे। तो आज मैं बनाने लग रही हूँ सेवियाँ, तो एक पैकेट मैंने खोल लिया, तोड़ भी लिया, और ये दूसरा पैकेट खोलने लग रही हूँ। तो आज नरम नरम ना सेवी मुनीत को बना देती हूँ, क्योंकि अभी मुनीत की अभी तबीयत अभी माशाल्लाह काफ़ी सही, यानी कि बेहतर तबीयत हैगी, असाना ही माशाल्लाह तबीयत ठीक हैगी। तो कहते हैं मम्मा जी मुझे ना सेवे बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, रोटी वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ, सेवे बना देती हूँ बच्चों को। गहरी बात है जो बच्चों को दिल करता है तो वही मैंने कहा चलो बना देती हूँ मैं। तो मिर्चों वाले बच्चों कह रहे थे सेवी आलू मैंने डालने नहीं है, आलू है नहीं वैसे, तो आज के भी आलू गए हैं किसी काम से, तो वो फिर आएँगे तो फिर मैं डाल लूँगी, अगर नहीं आएँगे तो फिर नहीं आएंगे, नहीं डालूँगी मैं। चलो कोई बात नहीं, फिर सेम वगैरह डालूंगी। छापर मैं जमा कर रही हूँ, क्योंकि छापर से ना आग बड़ी अच्छी जलती है। हाँ जी, तो इसीलिए चलो छापर में जमा हुए हुए थे और जब जरूरत होते हैं फिर छापर हमें मिलते भी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, छापर ही फटा हुआ है। तो तीन पैकेट थे सेवियों के, तो ज़रा ये आपकी भी हो जाएंगी और सुबह की भी फिर नाश्ते में बच्चे खा लेंगे। चलो हमारे तो कुछ हम तो रोटी बना के खा लेंगे बच्चों को, फिर मैं सेवी दे दूँगी, क्योंकि बुखार है ना, अगर रोटी खाएंगे तो फिर बुखार ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अल्लाह का शुक्र है, जब से मैंने दवाई पिलाई है ना तो लाख लाख शुक्र है कि ना दोनों बच्चे मेरे माशाल्लाह काफ़ी से पहले से बेहतर है, काफ़ी माशाल्लाह बेहतर है। बस वो कहते हैं ना मैं इधर तो पहले घूमती रही हूँ, तो मुझे पता होता ना उसी डॉक्टर के पास ले जाती जिस जिस बच्चों से आराम होता है ना, यूँ ही होता है जलते जलते में यूँ ही होता है। वो कहते हैं ना कि वजन के भाई भाई दुख हो बस तकलीफ हो, कहती है आती अपनी मर्जी से और जाते अपनी टाइम पे। हाँ, तो अल्लाह ख्याल करे, बस अल्लाह ताला बच्चे जिन जिन के अल्लाह में बच्चे अल्लाह ताला बच्चों को शिफाए दे, तो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो जारी बात है हर किसी को अपने माँ बाप प्यारे, जो औलाद प्यारी होती है माँ बाप को, अल्लाह ताला किसी औलाद का दुख ना दे तकलीफ ना दे। तो बस यही मेरी दुआ है आज के व्लॉग में, तो बस बच्चों को अल्लाह में दुख ना दे, बस बच्चों का दुख बहुत बुरा होता है। तो बस ये फटाफट मैंने सारी सेवी मैंने निकाल ली है, तो अब मिसाले वगैरह मैं निकाल के लाती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हूँ, और बाजी फातिमा के फ्रिज में जाती हूँ टमाटर वगैरह लेके आती हूँ, सारा मसाला वगैरह मैं रेडी करती हूँ। खाला ने कबूतर खोल के खालो आ गए, तो यहाँ पर खाला जो है टमाटर काट के मशीन में ग्राइंड किए जा रही है। हाँ जी, इससे पहले मैंने मिर्चें कर दी, ये देखो मिर्चें कैसी हो गई, ज़बरदस्त हो गई, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने मिर्चें ली हैं, तो मैं का लाल मिर्च सारा कम डाल लूँगी और हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाल लूँगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रख दिया, तो यहाँ सारा मैंने सामान वगैरह रख दिया, और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हाँ, हल्की अभी खजिया का मौसम अभी आए हैं तो मक्खियाँ पहले आ गई हैं, उधर ही नाम भी रोने लग रहा है, वो क्या नाम है मोहम्मद मुनीब है, वो झुला दे रहा है, मगर वो रोता रोता खुद ही सो जाएगा वो। हाँ, तो कहते हैं मुझे गोदी में लेके बैठ जाओ, मैंने कहा मंगवाई है ये प्लेट, पता नहीं ये प्लेट क्या काम करना है, ये ले खाला जी प्लेट। थैंक यू। ये मैंने ना प्याज काटने थे, प्याज खराब निकले हैं, वो मैंने जो खराब थे वो चाट पर डालनी है, मुर्गी खाने लग रही है, वो प्याज वगैरह खा लेते हैं मुर्गी। तो यहाँ पे जो मैंने टमाटर वगैरह का पेस्ट बना के रख दिया ब्रीक, आज मैंने करे इसमें मशीन में ग्राइंड करें, और हरी मिर्चें मैंने बीच में ग्राइंड कर दी हैं, यानी कि बीच में पीस दी हैं ग्राइंडर कह रही हूँ सॉरी, मिर्ची तरह पीस जाती हैं तो ब्रीक ब्रीक होती थी, अच्छा मसाला बन जाता है सेवियों का। तो उधर हादी ने भी शोर करा है, जब भी हम क्लिप बनाते हैं जब भी बच्चे शोर करने लग जाते हैं, अब इन्हें थोड़ी पता भाई यानी कि हम क्या काम कर रहे हैं, बस 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 खा लिया आपने, बहुत ज़्यादा खा लिया ये आइटम करिए अभी ने क्या पता जानवर है बस। सबसे ज़्यादा शोर हादी ने करा हुआ, और मामू भी आ गए, मामू जी भी आ गए, अभी मामू का हम याद कर रहे मामू आपके आ गए। हाँ जी, अल्लाह ने हमारे भाइयों की लंबी ज़िंदगी रखे, ज़िंदगी रहे, तो कहते हैं ना सच्चे दिल से जिसे भी इंसान याद करता है ना तो वो आ जाता है। हाँ जी, तो चलो मामू को पानी वगैरह दे दो, तो चल के आए आपके मामू मुझे लगा, तो पानी वगैरह अपने मामू का दे दो। जी बनाई हो चुकी है अच्छी तरह से बिल्कुल, और अब जो है खाला जी आप सीवी डाल दें। हाँ, आप क्या रही मैं डालने लगी, मेरा पानी डालने करा था, मैंने कहा पहले मैं पानी डाल देती फिर क्या मैं डाली, आपने कहा नहीं खाला जी आपने ऐसे डाल देना फिर थोड़ी सी बुनाई कर लें इसमें, उसके बाद फिर पानी डाल देना आप इसमें। ठीक है जी, आज आपका हुक्म ही मान लें। हाँ जी, कहते हैं ना कभी छोटे भी ना अच्छी सलाह दे देते हैं। अच्छा,
चाहिए। यार आप लोगों ने क्या बनाया कल? हमने आलू बैंगन बनाए आज। आलू बैंगन बनाए, हाँ जी। और क्या रहा बहन भाई, आपको ये बता दें जो ये वीडियो है, ये हम वीडियो जो ये हम कल लगाएंगे, क्योंकि जो पड़ी हुई थी हम परसों की, फिर ये यानी कि मुलीब और सना बीमार हो गए थे, तो हमने आज बनाई नहीं वीडियो, ये हम कल वास्ते बना रहे हैं। हमने कहा वो पड़ी हुई है तो वेस्ट ना करें, तो इसलिए वो हम आज यानी कि वो आज लगाएंगे, और जो ये वाली है ये हम कल को लगाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी सही बात, हमारे बड़े चले गए हैं, भाई चले गए हैं, दादा अबू चले गए हैं, पता नहीं और भी जो हमारे भी दादा दादी होंगे, पड़ दादा होंगे, वो चले गए हैं, तो हम तो फिर छोटे हैं। हाँ जी सही बात है। चले आप ये डालें अच्छी तरह, इसकी बुनाई करें, ठीक है, क्योंकि आपकी सिर्फ एक ही पतीली है, वो छोटी सी तो ये, हाँ जी ये खाल रुकैया के लिए, आपकी सिर्फ वो छोटी सी है ना, उसमें सारा बस पक जाता है, और ये जान जान के सीया चावल वगैरह नहीं पक, वो नहीं पक सकते। सेवियों में यानी कि बिकसा में रखी हुई थी, और आई तेज अंधेरी सारा कुछ यानी कि उड़ गया, फिर सारा कुछ इकट्ठा वगैरह कर रहा है, तो भाई ये शुक्र है यानी कि रुक गई है, अंधेरी आई है, तो सेवियाँ मेरी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई हैं, बस दम पे रखी हुई मैंने, तो चल के आग तो वैसे आपको पता ही लकड़ी ऐसी हैंगी, जल्दी से आग इनकी ना इनकी भुट जाती है, और वीडियो भी माशाल्लाह बड़ी मिल चुकी है। ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, मिलते हैं अच्छे से मिलो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।